गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए आज जो हम सीखने वाले ऑर्गेनिक के लेक्चर नंबर 6, ठीक है, लेक्चर नंबर 6 बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बेहतरीन और मजेदार सीखने वाले, ठीक है। तो आज आइए इसके बारे में देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप, ओके। नायक नहीं हल नायक हूं मैं, सबके दिलों पे। आइए बच्चे एक बार देखते हैं, भाई गाना तो मैं आपको सुनाते रहूंगा, तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में देखते हैं, क्या देखते हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में, है ना। तो फंक्शनल ग्रुप जो होता है इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखने वाले हैं। भाई जो आने वाला टॉपिक है ना फंक्शनल ग्रुप, जिसमें मैंने आपसे बहुत सारे क्वेश्चन देखे, एल्कोहल के बनाए, एल्डिहाइड के बनाए, कीटोन के बनाए, कार्बोजैनिक के बनाए, है ना। उसके बाद हमने इसके अंदर कीटोन, उसके बाद हमने इसके अंदर ईथर। तो आइए नेक्स्ट सीखने वाले आज जो टॉपिक होगा वो होगा ईथर का। ईथर का सिंबल फॉर्म में ROR बोलते हैं, क्या बोलते हैं ROR। तो इसकी जो बातें करें, अगर ईथर की बात करें तो ईथर में हमारे पास ROR होगा। इसकी IUPAC नेम मैं आज पूरे फंक्शनल ग्रुप आपको बताने वाला हूँ, आज पूरे कंप्लीट करने वाला हूँ, ठीक है। तो खुद का माइनस पॉइंट जानना ही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, नहीं बहुत। देखिए अगर इसमें देखा जाए तो IUPAC नेम जो बनाए रहे हैं क्या नाम आएगा, एलकॉक्सी एलकॉक्सी एलकेन, क्या आएगा एलकॉक्सी एलकेन। इसकी जब जनरल नेम लिखा जाएगा ना, जनरल नेम लिखा जाएगा तो बोला जाएगा एल्काइल एल्काइल ईथर। ये दो नाम बस बिल्कुल सिंपल है। अगर आपके पास कम कार्बन है नोट में आप लिख सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं नोट में, नोट में लिखेंगे। अगर ऑक्सी की तरफ है, ऑक्सी का मतलब हुआ कि लेस कार्बन के साइड ऑक्सी लगाना है आपको, ठीक है, लेस कार्बन साइड। और एन जो होगा, एन को आपको मोर कार्बन के साइड लगाना है, मोर कार्बन साइड लगाना है, ठीक है। ये बस आप याद रखिए। इसके जो एग्जाम्पल आएंगे वो बहुत ही सिंपल आएंगे। एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहेंगे एग्जाम्पल्स के ऊपर, तो इधर मान लीजिए मैंने कार्बन की संख्या लगा दी, ओ लगा दी, इधर हमने दो लगा दिए, तो तीन कार्बन हो गए, इस तरफ तीन कार्बन, इस तरफ दो कार्बन है। अगर मैं तीन और दो के रेस देखे तो कम कार्बन में, कम कार्बन में हमने क्या लगाया ऑक्सी, तो इसके जगह पे नाम लिख देंगे कम कार्बन की तरफ है, कम कार्बन में क्या हो गया इथॉक्सी इथॉक्सी। और तीन कार्बन हो गए तो ये क्या हो गया प्रोपेन, क्या हो गया प्रोपेन। देखो यार बिल्कुल एकदम आसान है, ठीक है, ये चीजें हो गई इथॉक्सी प्रोपेन। इथॉक्सी प्रोपेन क्या हो गया आयुपैक नेम हो गया, क्या हो गया आयुपैक नेम हो गया। अगर आपको जनरल नेम देखना है बेटा, जनरल नेम देखना है तो क्या करें, दो कार्बन को क्या बोलोगे इथाइल इथाइल, और तीन कार्बन को क्या बोलोगे प्रोपाइल इथाइल प्रोपाइल, और ये क्या हो जाएगा ईथर ईथर, ठीक है। ये बातें होगी, देखो बहुत ही सिंपल है। अगर आप देखो इसके नाम लिखना कितना सिंपल है, ईथर ईथर फैमिली है, बिल्कुल आसान। अगर IUPAC में देखा जाए तो एल्कॉक्सी एल्केन, जनरल नाम में देखा जाए तो एल्काइल ईथर। ये बातें होगी, ठीक है, बिल्कुल ईजी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसके बाद, ईथर के बाद, ईथर के बाद शुरू होने वाला होगा। ईथर के बाद क्या आने वाला है, ईथर के बाद जो हम एस्टर ग्रुप की फैमिली की बात कर ले, अब एस्टर ग्रुप कैसे चलेगा। देखिए मैंने एस्टर के बारे में भी बता रखा है, एस्टर के बारे में और नेक्स्ट जो बताते चल रहा हूँ, मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको मैंने बताया, लेकिन अब फिर से एक बार हम ये सब देखने वाले हैं। तो एस्टर क्या है, एस्टर देखिए आपको ना सबसे पहली बात कि सारे फंक्शनल ग्रुप आपको आ जाए, सारे फंक्शनल ग्रुप आपको आगे लिखने आ गए। अगर आपको लिखने आ गए बेटा, सारे फंक्शनल ग्रुप आपको लिखने आ गए, मतलब आप समझ रहे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक चीजें आपको आ गई, बेसिक चीजें आपको आ गई। एस्टर एस्टर मतलब कि ये इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। आप इसके अगर फॉर्मूला देखोगे बेटा तो क्या आएगा RCOOR-, ठीक है। अरे इसका जब हम नाम लिखेंगे, इसका जब नाम लिखेंगे आयुपैक नेम लिखेंगे तो इसमें हम यूज करते हैं एल्काइल एल्काइल एल्कानोएट एल्काइल एल्कानोएट, ये काफी फेमस नाम है एल्काइल एल्कानोएट, यूज कर सकते हैं हम। कम कार्बन की तरफ एल्काइल लगा देना, मतलब आपके पास एक एग्जाम्पल मैं लेके दिखाऊं, आपको एग्जाम्पल लेके दिखाऊं, तो ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया CH3। तो मैं कहूँगा कि एक इसमें एक काम कर लो, इसको आप सेपरेट लिख लो, एल्काइल में डाल दो, इसको आप किधर डाल दो एल्काइल में रख दो, बाकी के ये जो कार्बन है ये पूरे इसको हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो इसका जो नेम होगा, इसका जो नाम लिखा जाएगा आईपैक नेम जो लिखा जाएगा वो क्या हो जाएगा
मिथाइल, क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल, मिथाइल हो जाएगा। और ये दो कार्बन है, दो कार्बन जिसका नाम क्या बोलेंगे, इथानोएट, इथानोएट। देखो मतलब आपके पास जो नाम है ना वो सिंपल आ जाएगा इस तरह से, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, एकदम ईजी, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। ऑर्गेनिक आसान है, अगर आप इस चीज को देखेंगे रेगुलरली, आप देखते चलेंगे, बहुत ईजी है। और इससे ज्यादा आसान मतलब आपकी केमिस्ट्री तो है ही, केमिस्ट्री में तो आप देखोगे केमिस्ट्री में तो बिल्कुल ईजी है, तो आप इसके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं। ये एग्जाम्पल वन हो गया। एग्जाम्पल नंबर टू की बात करें, टू में एग्जाम्पल नंबर टू की क्या है, तो क्वेश्चन है इस तरह से कुछ दिया रखा है, दरका सी एस थ्री सी एस टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ एंड एंड सी एस थ्री। तो जिधर कम कार्बन होगा, जिधर कम कार्बन होगा उसको मैं क्या मानूंगा, उसको मैं मानूंगा बाहर एल्काइल में। एक तरफ इसमें कम कार्बन है, इसको मैं मान लिया क्या, बाहर कर दिया एल्काइल ग्रुप में कर दिया, क्या नाम हो जाएगा इसका, तो इसका जो नाम आ जाएगा बेटा, इसका जो नाम आ जाएगा वो क्या होगा, मिथाइल। कम कार्बन को भी हम लिख सकते हैं ऐसे, मिथाइल वन टू वन थ्री, थ्री कार्बन, थ्री कार्बन हो गया ये प्रोपानोएट। देखिए आपको बस क्या करना है, पढ़ते जाना है, रीड करना है, आपको याद करने के लिए एक समय निर्धारित करना है कि हाँ सर मैं सोने से पहले एक बार मैं पढ़कर सोऊंगा, तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल याद हो जाएगी। अगर आप ऐसे करते हो कि सोने के पहले आप बिल्कुल पढ़ते हो, इस चीज़ों को रिवाइज करते हो, रिवाइज करने के बाद सुबह उठे देखे फिर से रिवाइज किए, मतलब तो ये बिल्कुल चलना चाहिए, है ना। जब भी आप कुछ चीज़ों को आप पढ़ रहे हो तो पहले आप रात में आप उसको पढ़ लिए, उसके बाद आप सोने से पहले पढ़ लिए, और सोने से पहले पढ़ने के बाद फिर आप सोए और सुबह उठते बराबर उसको वापस देख लिए, तो वो बिल्कुल देखो ये चीज़ें भूलेगी नहीं, अगर आपने ऐसा किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इधर, इधर के बाद क्या आता है, इधर के बाद जो हमारे पास ग्रुप है वो है साइनो, साइनो और साइनाइड। देखो इसको हम बोलते हैं बेटा आर सी एन, आर सी एन स्ट्रक्चर इसके क्या होते हैं, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन इसको बोलते हैं। इसको भी अगर आईपैक नेम में लिखा जाए कि भैया आईपैक नेम में क्या होगा, तो आईपैक नेम में इसका हो जाएगा साइनो एल्केन, साइनो एल्केन हो जाएगा। इसके जब जनरल नेम लिखा गया, जनरल नेम लिखा गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, एल्काइल, एल्काइल साइनाइड, एल्काइल साइनाइड, दो नाम से बिल्कुल इजी है। आप देखो मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन यार जनरल नेम लिखना, आईयूपीएससी नेम लिखना और ये सभी के फंक्शनल ग्रुप के याद तो करने पड़ेंगे, अगर हमें याद नहीं है तो फिर हम कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल देखो याद हो जाना चाहिए आपको, याद हो जाएगा ये चीज़ें बिल्कुल ईजी हो जाएगा आपके लिए, मतलब आसान हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल क्या करना है कि एक एक चीज़ों को देखना है, हाँ सर एस्टर हो गया, सर एस्टर को तो हमें एल्काइल एल्कार्बेट बोलते हैं, आईपीसी नेम बोलते हैं, ऐसे याद हो जाए। साइनो साइनाइड हो गया, आईपीसी में साइनो एल्केन बोले, जनरल में एल्काइल साइनाइड बोलेंगे, तो ये भी आपको याद हो जाना चाहिए। एग्जाम्पल इसके इस तरह से आएगा, एग्जाम्पल क्या आएगा, तो आपके पास कार्बन मान लो दे दिया, कार्बन की काउंटिंग कर लो ना आप, इस कार्बन की काउंटिंग नहीं करेंगे, ये पूरे फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन की काउंटिंग यहाँ से होगी, इस कार्बन की काउंटिंग नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। जनरली इस फंक्शनल ग्रुप में ऐसा होता है कि इस वाले कार्बन की काउंटिंग नहीं होती है, ठीक है, याद रखेंगे आप। तो तीन कार्बन होगी इसके, जब आप आईयूपीएससी नाम लिखोगे, आईपैक नेम लिखोगे तो क्या लिखोगे, आईपैक नेम में आईपैक नेम होगा साइनो, और तीन कार्बन को क्या बोलोगे, प्रोपेन, तीन कार्बन को क्या बोलोगे, प्रोपेन, बिल्कुल आसान हो जाएगा। जब आप इसके जनरल नेम लिखोगे ना, जब आप इसके जनरल नेम लिखोगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, तीन कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, और सी एन को क्या बोलेंगे, साइनाइड, जनरल नेम। देखो मतलब आपको ना बिल्कुल इजी हो गया, क्या बोलते हो, तीन कार्बन है तो प्रोपाइल बोल दिया, सी एन है तो साइनाइड बोल दिया, आईपीसी नेम में साइनो पहले लिखेंगे और तीन कार्बन को प्रोपेन बोल देंगे, बिल्कुल इजी है। क्या देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ यार, एकदम आसान है, इस चीज को देख लो आप, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ेंगे आइसो, आइसो साइनो, आइसो साइनो और आइसो साइनाइड, इसको बोलते हैं बेटा आर एन सी, आर एन सी। ये याद करने का तरीका है और क्या, मतलब याद कर सकते हो आप ऐसे, फंक्शनल ग्रुप आपको याद हो जाए उसके लिए तो हो रहा है। इसके इसके क्या नाम बोलोगे, आईपैक नेम क्या बोलोगे, आईपैक नेम क्या बोलोगे, आइसो साइनो एल्केन, ये नाम होगी इसकी, आया ना, आइसो साइनो एल्केन। अगर इसके मैं जनरल नेम बोलूंगा बेटा, जनरल नेम बोलूंगा तो क्या लिखूंगा, एल्काइल, एल्काइल आइसो साइनाइड,
आइसो वर्ड यूज हो रहा है ना, आइसो साइनो वर्ड यूज हो रहा है ना, ये नाम बिल्कुल आसान हो गया आइसो साइनो लिखने की तरीका, मतलब एक तरह से बहुत ही इजी है। अब इसके जो एग्जांपल आएंगे बेटा, एग्जांपल जो आएंगे वो कैसे आएंगे, एग्जांपल कैसे आएंगे, देखो एग्जांपल अगर मैं ले रहा हूँ तो कैसे लिखूंगा, जैसे मान लो अपने पास कार्बन है, चार कार्बन के साथ एनसी लग गया, तो एनसी क्या है, फंक्शनल ग्रुप है ना, कार्बन की काउंटिंग 1 2 3 4, बिल्कुल सिंपल। देखो मैं आपको सिखा रहा हूँ, बहुत ईजी है। पहले मैं आपको बेसिक, मैंने क्या बोला था, मैंने फर्स्ट डे ये आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके जाने वाला हूँ, और ऐसा नहीं कि उसमें कंफ्यूजन करा के, मैं आपको बिल्कुल इजी वे में बता रहा हूँ, कंफ्यूजन कराना नहीं चाह रहा, मतलब ऐसे आप पढ़िए, ऐसे आप याद करिए कि वो चीज़ें आपको बिल्कुल आ जाए। अगर आपको ये आ गया तो धीरे धीरे और इसमें सीखेंगे हम, लेकिन पहले से मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाह रहा हूँ। तो बहुत सारे ऐसे मतलब आपको लेक्चर मिलेंगे, इसमें कुछ चीज़ें पहले से ही कॉम्प्लिकेटेड हो गई रहेंगी, यार नहीं समझ में आता फिर वैसे बच्चों को। मैं देख रहा हूँ, मैं जैसे समझ पा रहा हूँ, और जब जब चीज़ें मुझे समझ में आ गई तो बच्चों को भी समझ में आएगी, अगर मैं इस चीज़ को बिल्कुल तोड़ कर बिल्कुल आसान शब्द में समझाऊंगा तो डेफिनेटली बच्चों को भी समझ में आएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो बिल्कुल आसान, देखो नाम लिखने ही आना चाहिए ना मुझे, मुझे आईपीसी नेम लिखने आना चाहिए। अगर मैं इसमें सफिक्स बोलूँ, प्रीफिक्स बोलूँ, वर्ड रूट बोलूँ और आपको बोलूँ कि ये याद करना पड़ेगा, क्या पॉसिबल है, बहुत टाइम लग जाएंगे यार, मैं आपको वैसे नहीं दिखा रहा हूँ, बिल्कुल आप इसको याद रख लो। आईपीसी में होगा तो आइसो साइनो एल्केन, अब आइसो साइनो एल्केन क्या हो गया, तो मैं और भी तरीके से बता सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ कि सिंपल तरीका और ये आपको सीख में आ जाए। तो ये क्या हो जाएगा, आइसो साइनो आईपीसी नाम लिखेंगे, क्या कितना सिंपल है। देखो मैं इसमें कुछ नहीं बोल रहा, ना वर्ड रूट बोल रहा हूँ, पेरेंट्स बोल रहा हूँ, ना इसमें कुछ आपकी ब्रांच क्या लगेगा वो सब बोल, मैं बिल्कुल सिंपल तरीका दिखा रहा हूँ। आईपीसी नेम लिखना तो क्या लिखोगे, आइसो साइनो लिख रहा हूँ। देखो चार कार्बन को क्या बोलेंगे, ब्यूटेन, क्या आसान है भाई, ऐसे लिखो ना, बिल्कुल इजी हो जाएगा, ठीक है। जनरल नेम लिखना है, जनरल नेम लिखना है, क्या लिखेंगे इसका, तो चार कार्बन है, चार कार्बन है तो क्या लिखेंगे इसका, चार कार्बन तो ब्यूटाइल, चार कार्बन है तो ये हो जाएगा ब्यूटाइल, और इसके बाद एनसी है तो क्या होगा, आइसो साइनाइड। देखो कितना आसान है यार, अगर आपने ये दो चीजें याद कर ली कि भाई साइनो आइसो साइनो में, आइसो साइनो है तो आईपीसी में क्या बोलेंगे सर, अगर अगर साइनो है तो आईपीसी में क्या बोलेंगे, तो आपको बिल्कुल इजी हो गया ना, कितना इजी हो गया, आया ना। चलो नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप हैलोजन, हैलोजन का मतलब है आर एक्स, और एक्स का मतलब है ग्रुप नंबर 17, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। देखो बहुत इजी है, अगर आप इसमें से देखो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, मैं इसके जो नाम लिखूंगा आपके पास, जनरल नेम फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, इसके जनरल नेम होंगे, और एक इसका अगर आईपीसी नेम में क्या बोलेंगे, दोनों मैं आपको बताते चलता हूँ। जनरल नेम में फ्लोरीन को बोलते हैं फ्लोराइड, फ्लोराइड, और आईपीसी में बोलते हैं फ्लोरो, फ्लोरो, इसमें सीएल, सीएल को बोलते हैं क्लोराइड, क्लोराइड, क्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, ब्रोमो एंड द आयोडाइड, आयोडाइड एंड आयोडो, आयोडो, दिस इज द नेम, दिस इज द नेम आयोडो। देखो मैंने जो हाइड्रोजन के एलिमेंट्स है ना, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसके बाद जनरल और आईपीसी दो लिख रखा है, ठीक है। अब आपको अगर इस तरह से नाम लिखने को आ रहे ना बेटा, आईपीसी में क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे आईपीसी में सर, इसका नाम हो जाएगा हैलो, हैलो एल्केन, हैलो एल्केन, ये नाम हो जाएगा। अगर मैं इसको बोलूँ कि जनरल नेम में क्या लिखेंगे, जनरल नेम में क्या लिखेंगे, इसको बोलोगे आप एल्काइल, एल्काइल हैलाइड, क्या सिंपल है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में अगर देखूंगा तो कार्बन 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 सी एल लगा दू, सी एल क्या बोलेंगे इसको, सी एल मतलब क्लोरो, क्लोरो आगे देखो आईपीसी नेम में क्लोरो, देख लो क्या लिखेंगे, क्लोरो,
चार कार्बन क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, चार कार्बन क्या होगा, ब्यूटेन। ये इसकी हो गई आईयूपैक नेम, आईयूपैक नेम है क्लोरोब्यूटेन। मैं बोल रहा हूं एक सीएल है बेटा, एक सीएल है और चार कार्बन है, तो ऐसे ही बोलूंगा मैं। इसका जनरल नेम है ना, जनरल नेम है, इसको क्या बोलोगे, ब्यूटाइल, ब्यूटाइल क्लोराइड। सुन आ रहा है, बिल्कुल इजी है। मैं इस चीज को देख रहा हूं, बहुत ही आसान है, अगर आप इस चीज को देखें बहुत इजी है। ठीक है, क्लियर होगी बात, समझ में आ गई बात, हाइड्रोजन की फैमिली हो गई, हाइड्रोजन की फैमिली समझ में आ गई। देखो आइसो साइनो साइनो हाइड्रोजन, एक बार सभी देख लें, इजी है, बहुत इजी है, एक बार सभी मिलाते चले इसको। ठीक है, देखिए बहुत इजी है, ओके। तो नेक्स्ट है हाइड्रोजन फैमिली हो गया, अब कुछ नाम लिखना भी आसान, मैं आपको नाम लिखना कुछ दिखा दूं, एग्जांपल कुछ ले ले, जैसे राइट आईयूपीएसी नेम पहला सीएल सीएल सीएल, दूसरा सीएल, थर्ड सीएन सीएन डबल बॉन्ड। चलिए इसका नाम बताइए, तो सीएन पता चले तो ऐसे साइनो तो मालूम चली जाएगा ना, ऐसे साइनो तो कर ही सकते हो आप। काउंटिंग देखो कैसे लिखेंगे, काउंटिंग कैसे लिखेंगे, वन, मैं काउंटिंग अगर लिखूंगा, लिखना चाहूंगा काउंटिंग कैसे लिखेंगे, दिस इज द पिंक, दिस इज ओके, काउंटिंग नंबर वन टू एंड थ्री एंड फोर एंड फाइव, तो इधर इसमें भी तो वन आएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इसमें काउंटिंग किधर से करेंगे, इधर से तो तीसरे नंबर, इधर से दूसरे नंबर पे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ठीक है, काउंटिंग आ गई बात, कितने कार्बन है, पेंट, पांच कार्बन है तो पेंटेन होगा, और टू थ्री फोर, टू कॉमा थ्री कॉमा फोर, ट्राई क्लोरो। अब पांच कार्बन को क्या बोलेंगे, पेंटेन। ये पेरेंट हो गया ना, देखो ये पेरेंट हो गया, और ये क्या हो गया, ब्रांच। ठीक है, मैं इसको, इसका नाम क्या बोलूंगा, साइक्लोहेक्स है, तो वन क्लोरो बोल सकते हैं, वन क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, वन क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, वन क्लोरो साइक्लोहेक्सेन हो गया, बिल्कुल सिंपल है। आप इस चीज को देखो, बहुत ही आसान है, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि यार इतना आसान नहीं हो, इतना आसान है ये कि आप इसको लिख से देख सकते हो, बिल्कुल इजी है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स कार्बन कितना आ जाएगा, तो पहले टू फोर, टू कॉमा फोर, डाई साइनो, ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद ये तो पूरा छह कार्बन चलेगा, सिक्स कार्बन को क्या बोलेंगे, हेक्स, हेक्स थ्री इन, हेक्स थ्री इन, तो हेक्स थ्री इन में टू फोर डाई साइनो है। ठीक है, ये भी नाम लिख सकते हैं, बोल बिल्कुल इजी है। देखो मैं ये नाम इतना इजी है, काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप, और काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच, अगर फंक्शन ग्रुप नहीं दिया तो ब्रांच को देख के बता सकते हो। मैं बिल्कुल इजी आपको फंक्शन ग्रुप पहले लिख के दिखा रहा हूँ, पहले ये सारे फंक्शन ग्रुप आप एक जगह इकट्ठा कर लो, है ना, तो और इजी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आयोसाइन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद नाइट्रो, नेक्स्ट है नाइट्रो, नाइट्रो को बोलते हैं आर, आर एन ओ टू, नाइट्रो, नाइट्रो क्या बोलते हैं, आर एन ओ टू, नाइट्रो ग्रुप हो गया। ठीक है बच्चों, नाइट्रो आर एन ओ टू, इसको भी आईपीएसी जब नाम लेंगे ना, हम आईपीएसी जब नाम लेंगे तो क्या बोलेंगे, नाइट्रो, नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन। ठीक है, नाइट्रो वर्ड यूज करना, जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लो, ये कार्बन कार्बन के साथ अगर मैं NO2 लगा दिया,
इसका नाम क्या जाएगा, नाइट्रो, नाइट्रो प्रोपेन। क्या सिंपल नाम है, क्या सिंपल नाम है, बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी आसान है यार, इतना मतलब इतना इजी चीजें हैं फंक्शनल ग्रुप के नाम, बहुत इजी है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर टू देखिए, इसमें इसमें मान लीजिए कार्बन आ गया अपने पास और कार्बन आ गया NO2 ग्रुप लग गया NO2, अगर मान लो NO2 दो से ज्यादा भी लग जाए ना तो आपको घबराना नहीं है, मैं आपको यहाँ काउंटिंग दे दूंगा 1 2 3 4, क्या हो जाएगा 2.3 डाई नाइट्रो ब्यूटेन, ये आ जाएगा। मतलब जो भी चीजें है ना बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है, आपको कॉन्फिडेंस रखना है, केमिस्ट्री कॉन्फिडेंस आएगी, अगर अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप कर सकते हो, ठीक है, आपको ठीक है, देखो कॉन्फिडेंस लाना है, मतलब आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मैं बता रहा हूं, ठीक है भाई। चलो एक इसी पे एक आपको एक शायरी सुनाता हूं, एक शायरी सुनाते हैं, तो सुनना, खुद का माइनस पॉइंट जानना ही जिंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, खुद का माइनस पॉइंट जानना ही जिंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो आप अपने अंदर देखो ना कि अगर मुझे क्या आ रहा है, मुझे क्या नहीं आ रहा है, और उस चीज को सुधार करो, सबसे बड़ी बात है। अगर आपको आ गया ना, अगर आपको ये चीजें सुधार करने आ गई ना कि आप अपने अंदर देख रहे हो कि हाँ मुझे सर ये नहीं आ रहा, मुझे ये नहीं आ रहा है, तो उससे बड़ा प्लस पॉइंट कुछ हो ही नहीं सकता, उससे बड़ा पॉजिटिविटी नहीं हो सकता। मैंने आपको दो लाइन में ये बातें आपको बता दी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नाइट्रोसो RNO, नाइट्रोसो वाले कैसे चलेंगे, तो नाइट्रोसो ग्रुप है, नाइट्रोसो ग्रुप कैसे चलेंगे बेटा, ऐसे IUPAC नेम नाइट्रोसो एल्केन, तो जनरल नेम क्या होगा, जनरल नेम क्या हो जाएगा बोलो, एल्काइल नाइट्रोसाइल, ठीक है, बात आ गई समझ में, एकदम बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है, आप इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान में रख ले, इससे आसान कुछ नहीं है भाई, इससे आसान कुछ नहीं है। नाइट्रोसो कार्बन की काउंटिंग ले ले, आप कार्बन की काउंटिंग चार कार्बन के साथ एनो लगा दे, क्या नाम बोलूंगा इसका बताओ, नाइट्रोसो बोलूंगा कि नहीं, इन द आयुपैक नेम, इन द आयुपैक नेम नाइट्रोसो, चार कार्बन है ब्यूटेन हो गया, नाइट्रोसो ब्यूटेन। अगर मैं इसको जनरल नेम बोलूं, जनरल नेम बोलूं क्या बोलूंगा, जनरल नेम क्या बोलूंगा, चार कार्बन ब्यूटाइल नाइट्रोसाइल, ब्यूटाइल नाइट्रोसाइल, क्या सिंपल नाम है यार, इतना सिंपल नाम है, क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है, मतलब इतने सिंपल चीजों को आप बता, इतना सिंपल चीजें हैं, आपने जो पढ़ाया मतलब इतना आसान लगा, इतना सिंपल। देखो मैं जब भी मतलब केमिस्ट्री को लेके मैं केमिस्ट्री को पढ़ा रहा हूँ बताऊँ तो मतलब बहुत ही ईजी, मैं चाहता हूँ कि मैंने जो भी पढ़ाया हुआ है, जो भी वर्ड मैं लिख रहा हूँ वो आपको समझ में आए, ठीक है। एक एक वही एक टीचर वही अच्छा होता है जो आपको समझा सके, जो आपको बता सके यहाँ चीजें के लिए आएगी कैसे, कैसे बनता होगा, है ना। तो इस चीज को आप देखें, नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट नाइट्रोसो हो गया, थायो नेक्स्ट है, थायोनाइल ना, मार्सेप्टो मार्सेप्टन ऐसा, इसको बोलते आर एस एच। तो मैं इसका नाम देखूंगा, इसका नाम देखो आर एस एच कितना हो जाएगा, आर एस एच को क्या बोलोगे, आई पी एस सी नाम इसका बोलोगे, थायोएल्केन, जनरल नाम में बोलेंगे इसको एल्काइल थायोनाइल, ठीक है, मार्सेप्टन मार्सेप्टो भी बोल सकते हो, ठीक है बेटा, ये भी आ जाए एग्जाम्पल, आ जाओ कार्बन एस एच, ऐसे पहले आप इनको तो अलग करो, जनरल नेम लिखते समय जब आप इसका जनरल नेम लिखोगे तो क्या आएगा, प्रोपाइल थायोनाइल,
प्रोपाइल थायोनाइल। जब मैं इसके आईयूपीएसी नाम लिखूंगा बेटा, आईयूपीएसी नाम लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा, थायो प्रोपेन। मतलब इजी है, देख रहे हो कितना इजी है, कितना आसान है। आप इन चीजों को देखो, बहुत ही इजी है, ठीक है। अब इससे आसान क्या आएगा, इससे आसान क्या आएगा, समझ पा रहे कि नहीं। थायो ग्रुप है वो भी लिख सकते हो, नाइट्रोसो ग्रुप है वो भी लिख सकते हो। नेक्स्ट एसाइल, एसाइल हैलाइड, इसको क्या बोलेंगे हम, आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स हैलोजन लगा रहे हैं। इसको अगर आईपीएससी में लिखना होगा, आईयूपीएससी नेम तो इसका नाम क्या होगा, एसाइल हैलाइड है, एल्काइल एसाइल हैलाइड बोल सकते हैं, एल्काइल एसाइल हैलाइड। एग्जाम्पल देख ले, सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, ठीक है, ये हो जाएगा मिथाइल एसाइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड भी बोलते हैं, इसका नाम दूसरा एक और है एल्कनॉइल क्लोराइड, क्योंकि वो भी नाम मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये हो जाएगा एल्कनॉइल हैलाइड, इसका नाम हो जाएगा इथेनॉइल क्लोराइड। ये ज्यादा फेमस है, ठीक है। मतलब जो नाम ऑयल क्लोराइड लिखने की जो प्रोसेस है वो ज्यादा कॉमन है और ज्यादा चीजें ये फेमस है। हाइड्रोजन सल्फाइड एक और नेक्स्ट नेक्स्ट देख ले, और भी एग्जांपल आप इसको लिख सकते हो, और भी एग्जांपल आप ले ले, ठीक है। कार्बन 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 सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, तीन कार्बन प्रोपेनॉइल हो जाएगा प्रोपानोइल क्लोराइड। तो एक तरह का बहुत सिंपल, चलो हो गया, ये वादे कर लो। इतनी फंक्शन ग्रुप है, जो फंक्शन ग्रुप आज लास्ट है, फंक्शन ग्रुप हम इससे ज्यादा नहीं देखने वाले, मतलब जो फंक्शन ग्रुप है वो क्लियर बता देने वाला हूँ कि अब इससे ज्यादा नहीं, बहुत चीजें आने वाली है फंक्शन ग्रुप आपको यहां तक। एक और देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फाइड ये हो जाएगा एच एस ओ थ्री, ठीक है। तो एच एस ओ थ्री को बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फाइड आर आर एच एस ओ थ्री। इसका जो आईपीएससी नेम होगा उसको बोलेंगे, देख लो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, इसका नाम हो जाएगा एल्काइल, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फाइड, ठीक है। अगर इसके एग्जांपल ले, एग्जांपल ले हम, तो सी एस थ्री सी एस थ्री सी एस टू, चाहे एसओ थ्री एच लिख ले तो भी बात वही है ना, बात समझ में आ रही है। तो ये दो कार्बन हो गया इथाइल, इथाइल हाइड्रोजन सल्फाइड, बिल्कुल लीजिए, आप इस चीज को देख लो, बिल्कुल लीजिए। मतलब आर इसका जो नाम होता ना, आप इसको याद रखते हो ना कि आर एच एस ओ थ्री। मैं आपके बाद ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, क्लियर होगी बात। तो जो कॉमन चीजें है, कॉमन चीजें है कि आपको पहचानना भी आना चाहिए आपको, इस तरह से कार्बोनिल जो ग्रुप है ना, मैं आपको नोट में एक बात बता दूं, नोट में देखो, सी डबल बॉन्ड ओ और इस तरह का है तो इसका इसका जो नाम होता है वो होता है कार्बोनाइल, कार्बोनाइल ग्रुप है। ये वाला जो है ना कार्बोजिलेट है, ये जो ग्रुप है इसको बोलते हैं कार्बोजिलेट आयन, ये अलग है। तो ये कार्बोनिल कहलाता है, कार्बोनिल सी ओ कार्बोनिल है ना, कार्बोनिल ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं कार्बोजिलेट आयन। मतलब जो ग्रुप है ना यही अटैच होते हैं, उसी के ऊपर ही अटैच, यहाँ पे लगते हैं, यहाँ पे लगते हैं, इस वजह से आता है, ठीक है। बात आई क्लियर, देख लीजिए, मतलब बहुत ही सिंपल है फंक्शन ग्रुप, आप एक बार इसको नोट डाउन करते हैं। चलिए
ठीक है, तो मैंने बहुत सारे क्या क्या बता दिया आपको, एल्कोहल एल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन कार्बोजैलिक एस्टर, एस्टर हो गया है ना, इथर भी आ गया, इथर के बाद हमने ऐसा ही देखा। एक और ग्रुप है जो बचा हुआ शायद एमाइड, हमने बताया नहीं, एमाइड बता दूं आपको, एमाइड एमाइड हो गया आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एस टू, इसको क्या बोलते हैं आईपीएससी नेम में, आईपीएससी नेम में बोलेंगे एमिडो एल्केन, एमिडो एल्केन। और इसके जो जनरल नेम होगा, जनरल नेम होगा इसका एल्काइल एमाइड, ठीक है, ये वर्ड आ जाएगा। तो इसके जो एग्जांपल होंगे बेटा, इसके जो एग्जांपल आएंगे, जैसे हो गया CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड ओ एन एस टू, ठीक है। कार्बन कितने हो गए, एग्जांपल कार्बन कितने हो गए आईपीएससी में, आईपीएससी में आप इस कार्बन की भी काउंटिंग कर लेना तो कितना हो जाएगा, प्रोपेनामाइड भी बोलेंगे, एक और नाम इसका ऐड कर लो आप एल्केनामाइड, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, प्रोपेन प्रोपेनामाइड है ना। जनरल नाम लिखना हो तो क्या लिखोगे इसका, ये हो गया दो कार्बन अलग कर दो, ये हो गया इथाइल एमाइड, देखो बहुत सिंपल है, ठीक है। एमीन्स भी हो गए, एमीन वाला ग्रुप शायद हुआ कि नहीं हुआ आप देख लेना, एमीन वाला भी मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूंगा, है ना। एमाइंस, एमाइंस क्या होते हैं बेटा, आर एन एच टू, इसको एमीन बोलते हैं। इसको अगर आप आईपीएससी में लिखोगे तो क्या लिखोगे बेटा, क्या आ जाएगा, एल्केन एल्केन अमाइन, एल्केन अमाइन, ठीक है। जनरल नाम लिखोगे तो क्या आ जाएगा, एल्काइल एमाइन, ठीक है। इसका जो एग्जांपल आएगा वो कैसे लिखेंगे हम, कार्बन के साथ एनएस टू लगा रहेगा, आप इसको कैसे बोलोगे, प्रोपेनामाइड। अगर आप आईयूपीएससी नाम लिखना चाहोगे, इसका नाम हो जाएगा ऐसे, प्रोपेन अमाइड, ठीक है। अगर आप इसके जनरल नेम लिखोगे तो क्या आ जाएगा, जनरल नेम हो जाएगा प्रोपाइल प्रोपाइल एमाइन, ये वर्ड, ठीक है। यहाँ तक बात आ गई समझ में, चलो फंक्शनल ग्रुप हो गए, अब हम आगे सीखेंगे इसके प्रायोरिटी कैसे अरेंज करेंगे, द प्रायोरिटी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद हम सीखेंगे बाईसाइक्लो का, और उसके बाद स्पाइरो चेन के आईपीएससी नेम सीखेंगे, ठीक है।